गुड मॉर्निंग भाइयों। तो आज हमें ललित सिंह बिस्ल जी लेके जा रहे हैं बानासुर फोर्ट। तो यहाँ से लगभग बिस्ल साहब कितना टाइम लगेगा? यहाँ से 7 किलोमीटर है, आपको 10 मिनट लगेंगे वहाँ पर। 7 किलोमीटर ऊपर पहुँचने में आपको 20 मिनट लगेंगे। हाँ, तो यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर के आसपास है लोहागाट से बानासुर का किला, और वहाँ से फिर ट्रैकिंग है कुछ, आई थिंक 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की है ललित। हाँ, 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। ट्रैकिंग करके फिर हम पहुंचेंगे मेन बानासुर फोर्ट, और फिर वहां से दिखाएंगे आपको पूरी लोहागाट सिटी का व्यू, जो बहुत ही सुंदर दिखता है। वहां से पूरा 360 डिग्री व्यूज आता है, बहुत अच्छा है। आज के दिन की शुरुआत हमारी थोड़ी सी अभी ऐसे हो रही है क्योंकि रात को जो है वो हम थोड़ा लेट सोए थे सबके सब, तो थोड़ा सा अभी धुंधला धुंधला सा है सब। मिलते हैं आपको। पहुंच गए फाइनली बानासुर के किले में। आपको दिखाता हूँ यहाँ से लोकेशन और बानासुर का किला। ये देखो, पहले आप लोकेशन देखो, ये पूरा जो है वो पूरा लोहागाट है, ये पूरा इधर से लेके इधर तक, उधर साइड में भी अभी दिखाता हूँ। और यहाँ से जो है वो आपका हिमालय रेंज दिखती है, हिमालय पहाड़ दिखता है, वो देखो सामने, अगर आपको क्लियर कैमरे में दिख पा रहा है तो वो बिल्कुल मेरी उंगली के पास जो है वो कैलाश पर्वत है, यहाँ से बिल्कुल साफ दिखता है। और ये पूरी लोकेशन यहाँ से मैं आपको 360 दिखाता हूँ पूरा। ये यहाँ पे ललित सिंह बिस्ट जी और वो बैठे हैं बाबू साहेब, और ये यहाँ से पूरा व्यू आता है। देखो 360 दिखाता हूँ पूरा आपको बानासुर के किले से। तो ये बानासुर का किला है, हम उसकी छत पे हैं इस टाइम, और यहाँ से जो है वो पूरा उधर भी पूरा लोहागाट है। ये पूरी लोकेशन दिखाता हूँ आपको, देखो कितनी ज़बरदस्त लोकेशन है, यहाँ से बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, ज़बरदस्त अच्छा आ रहा है, बहुत बढ़िया व्यू है भाई यहाँ से, ज़बरदस्त लोकेशन। लोहागाट है छोटी सी जगह, पर घूमने के लिए यहाँ पे ना छोटे छोटे बहुत सारे स्पॉट हैं, जैसे आप वीडियोस में देख ही रहे होगे। अभी थोड़ा सा हमने टाइम लैप्स भी बनाया, वो भी है। यहाँ से थोड़ा सा दूर उस साइड में नैनीताल है, तो नैनीताल से जो है अगर आप देखोगे तो आपको बानासुर का किला दिखाई देता है लोहागाट वाला, ये रहा, बहुत बढ़िया। अभी चल के वहाँ बैठते हैं दोस्तों के साथ, यहाँ पे जिस पे हम चल रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा ही आवाज़ कर रहे हैं, यहाँ पे चल के बैठते हैं थोड़ी देर, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट जगह। ये देखो बानासुर का किला पूरा, अभी हो गई थोड़ी सी हालत ख़राब, ये फोटोग्राफी चल रही है इधर, ये पूरा किला और ये टकाक रापचेक लोकेशन, ये बहुत पुराना हो गया रे। ललित कब बना था रे, ये कब का है? इतना पुराना है यहाँ पे भाई, भगवान श्री कृष्ण ने जो है वानासर करके एक राक्षस था उसका वध किया था, वध वो, ये तब से है ये। किले के अंदर जाने का जो रास्ता है वो यहाँ से है, पर कोई जाता नहीं है, सब डरते हैं। ये तो वहां तक जा सकता है, वहां तक जाके क्या करेंगे, जा सकता है, जा पता लगे सीढ़ियां टूट जाएंगी, मैं वहीं रह जाऊंगा। ये पूरा सब कुछ बंद हो गया रे, कबाड़ गिर गिर के देख देख रहा है, बस इससे आगे रिस्क नहीं लूंगा मैं,
ये पूरा दरवाजे वरवाजे सब पैक हो गए भाई, देख रहा है बंद हो गया। सब बंद हो गया, सब कचरा हो गया। जैसे जब पहले लड़ाई कुछ संभाल के ही नहीं रखते यार, देख रहा है पहले जब लड़ाई होती थी किले के ऊपर किला बंदी करो, हाँ दौड़ के हाँ अपनी अपनी यहाँ से पोजीशन ले लेते, पोजीशन ले लेते थे। जैसे ये पोजीशन से मैं सैनिकों में भागा, मैंने अपना यहाँ से वो डाला क्या कहते हैं उसको, धनुष और तीर का बाण लेके यहाँ से देखते थे। ये सारे ये बने हुए हैं, ये पूरे चारों तरफ से पूरी लोकेशन दिख रही है, ये चारों तरफ ये बने हुए हैं। दुश्मन आएगा तो दिख जाएगा, दिख जाएगा। और ये झंडा यहाँ पे, ये हमारे बिष्ट बाबू ने लगाया था, ललित जी ने। और अब ये हो गया, थोड़ा सा हालत इसकी ख़राब, कलर भी फेड हो गया है। बहुत बढ़िया भाई, लोकेशन तो अल्टीमेट है, ज़बरदस्त, आना बनता है, बहुत ही उम्दा। लोग बोलते हैं लोकेशन बताओ कौन सी लोकेशन पे चले, लोकेशन बताओ कौन सी लोकेशन पे चले। तो जिसको भी नई लोकेशन एक्सप्लोर करनी है वो लोहाघाट आ सकता है। चल पड़े यहाँ से मजा आएगा लोहाघाट की तरफ। ये दोस्त हमारे निकल लिए हैं, हम भी निकलते हैं वानासुर का किला, और हमें जाना है बिल्कुल बिल्कुल वहाँ नीचे। अभी लगेगा थोड़ा टाइम उतरने में भी, चढ़ने में भी काफ़ी हालत ख़राब हुई थी हमारी। उतरते हुए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा घुटनों पर जोर पड़ता है ज़्यादा ही अगर स्पीड में चलो तो, पर ठीक है। पर भाई साहब जगह बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर जगह है, बहुत मज़ा आता है आके। ये देखो गजब, ये कांटे घुस गए हैं, ये देखो मेरे जूतों का हाल क्या हो गया है। और ये इनके पजामे में भी पूरे कांटे घुस गए, घास वास लग गई है, घास घुस गई है पूरी। चलो चलो नीचे जाके साफ करेंगे एक ही बार में पूरा काम लास्ट। चलो चलो।